पे मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की अतरी विधानसभा के अंतर्गत एक आदमकद प्रतिभा का अनावरण करना था। ये संकल्प लोक जनशक्ति नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। गया पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मणिपुर, बेगूसराय और पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ घटना हुई है उस पर बयान दिया है और कहा है जो विपक्ष है वो सदन को चलने दे, हंगामा ना करे। ये जो मणिपुर की जो घटना है, बेगूसराय की जो घटना है, वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और ऐसे में जो है सभी विपक्ष को एक साथ बैठ कर बातें करनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो विपक्ष चाहता है वो भी हम चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर भी बातें कही है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान वो आप पहले सुन लीजिए। भाई आज गया मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की अतरी विधानसभा के अंतर्गत एक आदमकद प्रतिभा का अनावरण करना था। ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर कार्यकर्ता ने लिया कि हम हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक प्रखंड, संभवतः हर एक पंचायत में हम लोग लगाने का काम करेंगे। उसी दिशा में अलग अलग जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है और इसीलिए आज हम लोग अभी गया आए हैं और ये विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे नेता की प्रतिमा, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को हम लोग बिहार के हर एक गाँव तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, हाजीपुर की सीट कुछ लोग करते हैं दावा, पर ये सारी बातें गठबंधन के भीतर बैठकर करने वाली है। मीडिया में बैठकर दावे करने से कुछ नहीं होगा। गठबंधन के भीतर बैठकर चर्चा करें, इन तमाम बातों को मीडिया के बीच में इस तरीके से लाकर कहीं ना कहीं गठबंधन की छवि खराब होती है। बंद कमरे में की गई बातें, गठबंधन के भीतर होने वाली बातों पर जब तक कोई आम राय, आम सहमति नहीं बने, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई बयानबाजी करनी चाहिए। और गठबंधन के भीतर हाजीपुर की सीट का विषय मुझे लगता है बहुत सहजता से तुरंत सुलझ जाएगा। जीतेगा कौन, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही ये फैसला लिया। बेगूसराय वाली घटना जितनी अमानवीय है उतनी ही निंदनीय, शर्मनाक और अक्षम्य है। इससे ज़्यादा घृणित घटना समाज को शर्मसार करने वाली शायद ही कोई और। बेगूसराय की बात हो, मणिपुर की बात हो, बंगाल की बात हो, मुझे लगता है सबको एक साथ आकर बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो प्रेसिडेंस हो, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले उसकी रूह काप ले। मैं विपक्ष से भी आग्रह करता हूँ, सदन को चलने दे। हमारे रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पे कहा है कि वो इसके लिए बहस को तैयार है, तो बहस होने दे और बहस के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, विपक्ष भी चाहता है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, सत्ता पक्ष भी चाहता है, तो ये चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद जो भी रास्ता निकले, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर उसको अमल करें। तो आपने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का ये बयान सुना जिसमें वो कहते हुए नजर आए हैं कि जो मणिपुर की घटना है, बेगूसराय की घटना है और पश्चिम बंगाल की जो घटना है काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। ऐसे में जो है विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, सदन को चलने नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी विपक्ष जो चाहते हैं वो सरकार पक्ष के भी लोग चाहते हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि इस पर वो बहस कराने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की घटना जो है वो निंदनीय और दुर्भाग्य पूर्ण है। इस दौरान जो है उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति को कदम उठाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि वह इस पर बहस कराने को तैयार हैं। ऐसे में विपक्ष को सदन में हंगामा नहीं करना चाहिए, सदन को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि एकमत राय बनाकर निर्णायक कदम उठाने चाहिए। ऐसे में जो विपक्ष चाहता है वही सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते हैं। ऐसे में बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को लेकर भी कहा कि ये जो है गठबंधन का मसला है, गठबंधन के सभी लोग जो है एक साथ बैठकर बात करेंगे कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ऐसे में उन्होंने आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है गया पहुंचे हुए थे अपने पिता रामविलास पासवान की मूर्ति का अनावरण करने के लिए और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।